SC ST एक्ट जब BP सिंह जी ने इसको जब लाए थे तब से उसमें कोई परिवर्तन विशेष रूप से नहीं हुआ, लेकिन पिछले समय में जब संविधान में थोड़ा बहुत दो चार इशू लेकर के हमारी सरकार थी थावरचंद जी गहलोत ने कुछ एक 20-22 मुद्दे और उसमें जोड़े थे, उसके बाद जब वो सुप्रीम कोर्ट ने संशोधन किया तो सुप्रीम कोर्ट के संशोधन के बाद पूरे देश में हो हल्ला हुआ। लेकिन सच्चाई ये है कि सुप्रीम कोर्ट के संशोधन के बाद SC वर्ग भी सड़क पर उतरा था, जो मुझे लगता कि SC वर्ग को उसको समझने की ज़रूरत थी। लेकिन जब पार्लियामेंट में सर्वसम्मति से सारे दलों ने एक स्वर से जो सुप्रीम कोर्ट ने संशोधन किया था उसको वापस किया, उसके बाद पूरे देश में कुछ जगह, क्योंकि राजस्थान और मध्य प्रदेश में चुनाव थे और इसलिए वहाँ विशेष रूप से वहाँ से शुरुआत हुई और ये कहा गया कि सवर्ण इसका विरोध कर रहे हैं, सवर्णों के खिलाफ है, जबकि जब से SC ST बना है कानून तब से उसमें आज तक कोई संशोधन नहीं हुआ है। जो 20 साल पहले SC ST एक्ट था वही पुनः बनाया गया, उसमें किसी प्रकार का कोई संशोधन नहीं किया गया और 7 साल से ऊपर की जिसमें सजा नहीं हो उसमें डायरेक्ट जिस तरह की बात कही गई कि बेल नहीं होगी, ये पूरी तरह से भ्रम फैलाया गया। और आज भी पुलिस की जिम्मेदारी है कि कोई भी निर्दोष जेल में न जाए और यदि कहीं अन्याय हुआ है, अत्याचार हुआ है, उस पर मैं कहता हूं कि एक ब्राह्मण और ठाकुर के साथ कोई घटना हो जाती है तो उसमें FIR होती है तो उसमें जेल लोग जाते हैं, लेकिन SC ST के कारण जिस तरह हल्ला किया गया उसमें किसी प्रकार का कोई संशोधन नहीं किया, जैसे पहले था उसी अनुरूप हुआ। आज सवाल ये भी उठ रहा है कि मायावती जी का, लोग हमसे पूछते हैं कि मायावती जी गठबंधन कर रही हैं और मायावती जी दलितों की नेता हैं और BJP के लोग दलितों से बड़े दूर रहते हैं। पहली बात तो ये जो स्वार्थ का गठबंधन है वो किसी रूप में हो नहीं रहा है और ना हो सकता है, क्योंकि दोनों स्वार्थी हैं, दोनों 2022 में सत्ता का सपना देख रहे हैं और इस सत्ता के सपने में एक ये स्वार्थ गठबंधन होने वाला नहीं है। मायावती जी दलितों को अपना मानती हैं। मैंने अभी 8 दिन पहले एक बयान दिया था, क्या मायावती उत्तर प्रदेश के किसी दलित के घर यदि भोजन कर लें, पानी भी पी लें तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। दल मायावती सबसे ज़्यादा, मैं कह सकता हूं कि दलितों का सबसे ज़्यादा किसी नुकसान किया तो मायावती जी ने किया। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने मायावती जी को इसीलिए मुख्यमंत्री बनाया था कि दलितों का हित होगा, लेकिन दलितों का हित नहीं हुआ, मायावती ने अपना हित किया और अपने परिवार का हित किया।